नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स आयुर्वेदा पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। संतरा और उसका जूस दिखने में जितना ही अच्छा लगता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही अच्छा है। तो आइए जानते हैं संतरों के इन फायदों के बारे में। सर्दी जुकाम में फायदेमंद। संतरे में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि कफ व कोल्ड जैसी बीमारियों को दूर करने में मददगार होता है। यदि आप भी सर्दी जुकाम से ग्रस्त हैं तो संतरे का नियमित रूप से सेवन कीजिए। हाई बीपी कंट्रोल करें। संतरा में पाया जाने वाला विटामिन B6, मैग्नीशियम और हेस्पेरिडिन हाई ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में काफ़ी कारगर होता है। इसलिए जिन लोगों को हाई बीपी की दिक्कत रहती है, वो अपनी डाइट में इस फल को अवश्य शामिल करें। मौसमी संक्रमण से बचाव। संतरा कई प्रकार की विषाणु जनित मौसमी संक्रमण से बचाव में भी काफ़ी मददगार होता है। इस फल में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स शरीर को विषाणु संक्रमण से बचाते हैं। स्किन डैमेज से बचाता है संतरा। संतरे में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को झुर्रियों से बचाता है। संतरे का यदि रोजाना सेवन किया जाता है तो यह यंग लुक बनाए रखने में मदद करता है। आँखों के लिए भी फायदेमंद है संतरा। इस फल में मौजूद विटामिन आँखों की म्यूकस मेम्ब्रेन को स्वस्थ रखता है, जो कि आँखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है। और इस फल का निरंतर सेवन करने से आँखों को दुरुस्त रखा जा सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान है संतरा। गर्भवती महिला के लिए संतरे का जूस बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। गर्भवती महिला यदि संतरे या संतरे के जूस का सेवन करती है तो उसे प्रसव पीड़ा कम होती है तथा बच्चे पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किडनी स्टोन में लाभदायक। नियमित रूप से संतरे के सेवन से किडनी को लाभ पहुंचता है और स्टोन की समस्या को रोका जा सकता है। बवासीर में राहत। बवासीर होने पर अगर संतरा खाया जाए तो इस बीमारी को जल्द खत्म किया जा सकता है। जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है, उन्हें संतरे के छिलकों को सुखाकर इसका चूर्ण तैयार कर रोजाना गर्म पानी सहित इस चूर्ण का सेवन करना चाहिए। खत्म करता है डिप्रेशन। टेंशन भरी जिंदगी में कोई भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इस फल में मौजूद वार्म साइट्रस सुगंध टेंशन को दूर करने में मदद करता है। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।